Assalamualaikum दोस्तों, मैं हूं सैफुर रहमान और आज चाइनीज लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट इन उर्दू के लेक्चर नंबर 34 के साथ हाजिर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमारे पास जो नेक्स्ट फर्स्ट वर्ड है, जो पहला चाइनीज वर्ड है, वो है हंतुआ। H-E-N हन, D-U-O तुआ, हंतुआ। इसे आप हंतुआ भी कह सकते हैं और हन दुआ भी कह सकते हैं। इसका मतलब है अ लोट ऑफ, बहुत ज्यादा। हंतुआ, हंतुआ, a lot of, बहुत ज्यादा। Why you hantua chien? I have a lot of money. मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। Wakhan hantua shuisheng zai shuishao? मैंने स्कूल में बहुत सारे बच्चे देखे, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे। Wakhan, मैंने देखे। Hantua, a lot of, shuisheng, students, zai shuishao, स्कूल में। मैंने स्कूल में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स देखे। उसके बाद है जी दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट वर्ड तीगा। वेरी फर्स्ट वन हमने देखा था ना, ईगा, अर्गा, सॉरी ईगा, लियांगा, संगा, सगा, वूगा, लियूगा, ठीक है। जब हम कहते थे ईगा पी, लियांगा पी, दो पेन, संगा पी, तीन पेन, तो उससे पहले अगर हम ती लगा देंगे तो ये शो करता होता है, शो करता है वेरी फर्स्ट को। तीगा, वेरी फर्स्ट वन। ती अर्गा, अभी आप यहां पे ल्यांग नहीं लगाएंगे, जब आप ती के बाद जो है वो ल्यांग नहीं लगता, अर लगता है। ती अर्गा, वेरी सेकंड वन। ती संगा, वेरी थर्ड वन। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको मजीद समझ आएगी। कोई आपसे पूछता है जी नी यो चीगा हाइज, आपके कितने बच्चे हैं? आप कहते हैं जी वा यो वूगा हाइज, मेरे पांच बच्चे हैं। फिर आपसे वो पूछता है जी ती ईगा अर्ज, वेरी फर्स्ट जो सन है, पहले वाला जो बेटा है, चाओ शमा मींग्स, सबसे पहले बेटे का नाम क्या है? अब आपको समझ आई ती ईगा का क्या मतलब है। ती ईगा अर्ज, वेरी फर्स्ट सन, सबसे पहला बेटा आप, ठीक है। उसके बाद कोई पूछता है ती संगा नियर ची सुईला, ती संगा, वेरी थर्ड वन, यानी तीसरे नंबर वाली, ती संगा, तीसरे नंबर वाली नियर बेटी ची सुईला कितने साल की है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई ती ईगा, ती अर्गा की, वेरी फर्स्ट वन, वेरी सेकंड वन, वेरी थर्ड वन, ठीक हो गया। आप कह सकते हैं ती संगा नियर अर्शिर सुईला, तीसगा हाइज चाओ अली, ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हैं। तीस ईगा, ती अर्गा, ती संगा, ती सगा, ती वूगा, ती लियूगा, और इस तरह आगे अप टू सोन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास, क्वेश्चन के लिए हम इसे यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं आप, वे शम्मा। वे शम्मा मतलब वाई, वाई क्यों, क्यों, वे शम्मा, वे, वे हेलो वाला वे, शम्मा वट, वे शम्मा, वे शम्मा। जब हम इनको इकट्ठा बोल देंगे, डब्ल्यू ई आई वे, हमने देखा था ना हेलो, हेलो के लिए हम यूज करते थे वे फोन पे बात करने के लिए, तो शम्मा मतलब व्हाट। जब हम दोनों को इकट्ठा कर देंगे वे शम्मा, वे शम्मा का मतलब होता है वाई क्यों। एग्जाम्पल चिंथियन वे शम्मा नी लाए वान, आज क्यों नी तुम लाए आए हो वान देर से। वाई आर यू लेट टूडे, आज तुम देर से क्यों आए हो। वे शम्मा जो है वो सबसे पहले लगेगा, ठीक है, लेकिन जो टाइम है चिंथियन, मिंगथियन, जोथियन, ये वे शम्मा से भी पहले लगेंगे, ठीक है। चिंथियन वे शम्मा नी लाए वान, आपको वे शम्मा जो क्यों है, वाई है, उसकी पोजीशन समझ आ गई कि स्टार्ट में आपने लगाना है वे शम्मा को, वे शम्मा नी लाए वान, ठीक है। ये इसकी पोजीशन आपने याद रखनी है, क्यों की पोजीशन कहां पे है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं जोथियन वे शम्मा नी शोशी, ठीक है, जोथियन वे शम्मा नी शोशी, वे शम्मा नी हाय में चे खुल्ला, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। वे शम्मा क्यों, नी हाय में, तुमने अभी तक नहीं चेखुन शादी की। वह हाय में चेखुन, जब आपसे वे शम्मा या क्यों में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका जवाब इनवे के साथ देते हैं। मैंने शादी इस नहीं की क्योंकि मेरी सेहत अच्छी नहीं है। वह हाय में चेखुन,
मैंने अभी तक शादी नहीं की इनवे क्योंकि वादशंथी पुहाओ, मेरी सेहत अच्छी नहीं है, मेरी सेहत ठीक नहीं है। वे शम्मा नी खुईचा, तुम घर क्यों नहीं गए? वे शम्मा नी खुईचा, तुम घर वापस क्यों नहीं गए? वे शम्मा क्यों? आपको समझ आ रही है वे शम्मा के कॉन्सेप्ट की? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।